ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे लेजर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेजर चार्ज रॉयल्टी 50 पैसा पर टन एंड द मिनिमम रेंट वाज रुपीज 18,000 पर एनम। द राइट टू रिसीव शॉर्ट वर्किंग वाज अवेलेबल ओनली इन सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, यानी कि जिस साल अकर हो रहा है उसके 2 साल तक ही हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर सकते हैं। इन द फिफ्थ ईयर देयर वॉज स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक फॉर 4 मंथ। फिफ्थ ईयर्स में जो हमारा स्टॉपेज हो गया था, वर्क वर्क रुक गया था हमारा 4 मंथ के लिए, ठीक है। द आउटपुट वॉज एज फॉलोज, फर्स्ट ईयर में 6,000 टन्स का आउटपुट हुआ, सेकेंड ईयर में 28,000 टन, थर्ड ईयर में 36,000 टन, फोर्थ ईयर में 48,000 टन, फिफ्थ ईयर में 30,000 टन, ठीक है। तो है सो लेजर इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, ठीक है। तो हम लोग इसमें लेजर पे सेकेंड वाला करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे लेजर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक 4 मंथ के लिए हुआ था, तो हमारा मिनिमम रेंट है जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक ना। हमारा मिनिमम रेंट यहाँ पे बदल जाएगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मिनिमम रेंट इसका क्या आएगा। मिनिमम रेंट फिफ्थ ईयर में स्ट्राइक की वजह से 18,000 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट होगा 9 मंथ के लिए ही जो निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चंस को। इस टेबल में देखें तो हमने आउटपुट लिख दिया हर एक ईयर का, कितना कितना आउटपुट होगा। रॉयल्टी कॉलम मैंने ब्लैंक छोड़ा है अभी, ठीक है, इसमें हम लोग अभी फिलअप करते हैं, ठीक है। और मिनिमम रेंट हमने फर्स्ट 4 ईयर में डाल दिया है 18,000, लेकिन फिफ्थ ईयर में हमने नहीं डाला है, क्योंकि हमारा फिफ्थ ईयर में हम लोगों को प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा 9 मंथ के लिए क्या होगा मिनिमम रेंट, क्योंकि 4 मंथ तक तो यहाँ पे हमारा स्टॉपेज ऑफ वर्क हो गया था, ठीक है, स्ट्राइक हो गया था, इसी वजह से। सॉरी फ्रेंड्स, 8 मंथ का, ठीक है, हम लोग 8 मंथ का प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, क्योंकि स्ट्राइक हो गया था हमारा 4 मंथ तक का, ठीक है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे, पहले हम लोग देखते हैं रॉयल्टी कितना कितना जाएगा किस ईयर में। तो हमारा दिया हुआ है बुक हमारे क्वेश्चंस में कि रॉयल्टी जो है 50 पैसा पे होगा, तो 6,000 का देखें आउटपुट है तो 3,000 रॉयल्टी पे करेंगे, उसी तरह 28,000 है आउटपुट तो 14,000 हम लोग रॉयल्टी पे करेंगे, 36 है तो इसका हम लोग पे करेंगे 18,000, 48 है इसका हम लोग पे करेंगे 24,000 रॉयल्टी होगा इसका, और हमारा 30,000 टन्स है हमारे फिफ्थ ईयर में, तो इसका रॉयल्टी हम लोग का होगा 15,000, ठीक है। अब हम लोग बात करें मिनिमम रेंट का, तो मिनिमम रेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं मिनिमम रेंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम लोग देखें, अगर फिफ्थ ईयर में मिनिमम रेंट टोटल है हमारा 1 ईयर के लिए 18,000, ठीक है, तो हमारा 9 मंथ के लिए कितना होगा, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 9 मंथ के लिए, ठीक ना, तो 18,000 हमारा टोटल कितने मंथ के लिए है, 12th मंथ के लिए, तो 8 मंथ के लिए कितना होगा, हम लोग को निकालना है 8 मंथ का, हम लोगों का टोटल है 18,000 12th मंथ का, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3, 2, तो हमारा आ जाएगा 12,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग इसमें 12,000 मिनिमम रेंट हम लोग पे करेंगे फिफ्थ ईयर का, तो फिफ्थ ईयर का हमारा मिनिमम रेंट हो गया 12,000। हम लोग अमाउंट पेबल का कॉलम फिलअप करेंगे, तो हमारा रॉयल्टी है 3,000, लेकिन हम लोग को मिनिमम रेंट पे करना 18,000, तो हम लोग 18,000 तो हमारा मिनिमम है, इसलिए तो हम लोग ये पे करेंगे ही। तो हमारा शॉर्ट वर्किंग कितना से होगा, ठीक है, हमारा शॉर्ट वर्किंग होगा 15,000, क्योंकि हमारे पास 3,000 ही रॉयल्टी है, तो हम लोग 15,000 हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया। डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग, ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 14,000 रॉयल्टी है, लेकिन हम लोग अमाउंट पे करना है 18,000, तो 4,000 हमारा शॉर्ट वर्किंग हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस ईयर में देखते हैं, तो जितना हमारा रॉयल्टी है उतना ही हम लोग को मिनिमम रेंट भी है, हम लोग को पूरा पे ऑफ करना पड़ेगा 18,000। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दिए होंगे, हम लोगों का कि शॉर्ट वर्किंग जो है वो सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स में रिकवर कर लेना है, नहीं तो हम लोग को राइट ऑफ कर देना है। हम लोग फर्स्ट ईयर का देखें, 15,000 जो शॉर्ट वर्किंग था उसको तो सब्सिक्वेंट 2 ईयर यानी कि सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर तक रिकवर कर लेना है, और थर्ड ईयर में रिकवर नहीं हुआ तो इसको राइट ऑफ कर देना है। तो थर्ड ईयर में तो हमारे पास पैसा ही नहीं है जो हम लोग रिकवर करेंगे, इसलिए हम लोग का जो 15,000 था उसको हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। तो थर्ड ईयर में हम लोग 15,000 जो था वो राइट ऑफ कर दिए, ठीक है।
हम लोग फोर्थ ईयर का देखते हैं, तो फोर्थ ईयर में हमारा मिनिमम रेंट है 24,000, ठीक है, सॉरी रॉयल्टी हमारा 24,000 और मिनिमम रेंट 18,000 पे करना है। तो हम लोग उसको कितना हम लोग इसमें शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग तो हमारे पास सेकेंड ईयर का 4,000 भी है, तो हम लोग 4,000 ही रिकवर कर पाएंगे। तो अगर हम शॉर्ट वर्किंग रिकवर में लिख देते हैं पहले 4,000, ठीक है, तो हम लोगों के पास कितना बचा बैलेंस 20,000, ठीक है, तो हम लोग 20,000 हम लोगों को पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 20,000 बचा हुआ है और हम यह मानते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा 2,000 है, मिनिमम रेंट से एक्स्ट्रा रॉयल्टी 2,000 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस 2,000 का कुछ भी नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्ट वर्किंग बचा ही नहीं। जो 15,000 जो पहला था वो हम लोगों ने तो रिकवर नहीं कर पाया थर्ड ईयर में, तो हम लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और फोर्थ ईयर और सेकेंड ईयर का हम लोगों ने रिकवर कर लिया, तो हमारे पास कुछ अब बचा नहीं शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। और हम लोग फिफ्थ ईयर में देखते हैं हमारा रॉयल्टी 15,000 है, मिनिमम रेंट 12,000 है और रिकवर करने के लिए भी कुछ है नहीं, तो हम लोग पूरा का पूरा 15,000 पे ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। अब हम लोग इसको जनरल एंट्रीज में पास करते हैं। कैसे जनरल एंट्रीज पास करेंगे, लेजर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखते हैं। फर्स्ट ईयर में देखते हैं तो हमारा रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से कम है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट एंट्री जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था वो पास करेंगे, ठीक है। वो एंट्री है हमारा है लेसीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब है लेसीज अकाउंट में अमाउंट क्या जाएगा, तो हमने बताया था लेसीज अकाउंट में अगर मिनिमम रेंट जाता है तो मिनिमम रेंट का अमाउंट जाएगा, तो लेसीज अकाउंट डेबिट, हमने यहाँ मिनिमम रेंट हमारा 18,000 है तो हमने 18,000 डाल दिया। उसके बाद है टू रॉयल्टी रिसीवेबल, ठीक है, रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट में अकाउंट, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल में क्या जाएगा। रॉयल्टी रिसीवेबल में हमने बताया था कि रॉयल्टी रिसीवेबल में जो रॉयल्टी अकाउंट में जो एक्चुअल अमाउंट है वो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे 3,000 जो रॉयल्टी में हमारा अमाउंट है वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद टू रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट जाएगा, ठीक है। अब जब हम रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डालते हैं तो हम देखेंगे हमारा कितना का डिफरेंस है 15,000 का, और हम देखें यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग में तो फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग में ही 15,000 है, तो हमारा जो शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट होगा वही हमारा जाएगा रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में, तो हमने यहाँ पे 15,000 डाल दिया। सेकेंड एंट्री हम लोगों ने कैश रिसीव किया, कैश रिसीवेबल में हम लोग वही अमाउंट डालेंगे जो हमारा लेसीज के फर्स्ट एंट्री वाले लेसीज के डेबिट साइड में जो अमाउंट था वही अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे, तो हम लोग 18,000 यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने 18,000 डाल दिया। थर्ड एंट्री है हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो हम लोग डालेंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। अब हम लोग इसमें जो रॉयल्टी फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी रिसीवेबल जो अमाउंट था हमारा 3,000 उसी को हम लोग सस्पेंस पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो वही 3,000 अमाउंट से ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह हम लोग सेकेंड एंट्री भी हम लोग सेकेंड ईयर का भी एंट्री पास कर देंगे, सेम पैटर्न से हम लोग सेकेंड ईयर का भी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और जब हम लोग डायरेक्ट थर्ड ईयर का पास करते हैं क्योंकि सेकेंड ईयर में भी सेम इसी तरह से एंट्री होगा, बस यहाँ पे 18,000 के 18,000 ही रहेगा क्योंकि सेकेंड ईयर में भी हमारा 14,000 रॉयल्टी ही हुआ है, हमको मिनिमम रेंट 18,000 पे करना है, और यहाँ पे हम लोग रॉयल्टी रिसीवेबल में सेकेंड ईयर में यहाँ पे 14,000 डाल देंगे क्योंकि हमारा रॉयल्टी अकाउंट में 14,000 है, और मिनिमम और हमारा जो रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में है वहाँ पे क्या जाएगा, शॉर्ट वर्किंग जो कॉलम में जो हमारा है सेकेंड ईयर में 4,000 है, तो यही 4,000 हम लोग यहाँ पे डालेंगे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में। एक चीज़ क्लियर हो गया, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट में वही अमाउंट जाएगा क्रेडिट साइड में जो शॉर्ट वर्किंग के कॉलम में रहेगा, ठीक है, और रॉयल्टी रिसीवेबल में वही अमाउंट जाएगा जो हमारा रॉयल्टी अकाउंट में रहेगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड ईयर का डायरेक्ट एंट्री पास करते हैं। थर्ड ईयर के केसेस में भी देखें तो हमारा रॉयल्टी 18,000 है और हमारा मिनिमम रेंट 18,000 है, दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इसमें रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट का तो कोई बात ही नहीं बनता है, तो लेसीज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, तो इसमें तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा ही नहीं, टोटल 18,000 हमारा मिनिमम रेंट भी है और 18,000 हम लोगों ने रॉयल्टी भी है हमारा, तो फुल्ली अमाउंट से हम लोग फर्स्ट एंट्री पास कर दिए, ठीक है। उसी तरह हम लोग कैश अब रिसीव करें, हम लोगों ने यहाँ पे कैश को भी रिसीव कर लिया फुल 18,000 जो हमारा लेसीज के अकाउंट में था, और रॉयल्टी रिसीवेबल को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमारा
टेबल में देखें तो थर्ड ईयर में हम लोगों ने राइट ऑफ भी किया है शॉर्ट वर्किंग को, ठीक है। तो ये जो राइट ऑफ जो हम लोग थर्ड में किया है उसको भी हम लोग पीएल में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे हमारा सस्पेंस का काम होगा। यहाँ पे रॉयल्टी जब हम लोग लेसी में के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे थे तो उस टाइम हम लोगों का था रिटेन ऑफ, लेकिन जब हम लोग लेसर के अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे तो हमारा रॉयल्टी सस्पेंस हो जाएगा। यहाँ पे कितना अमाउंट था 15,000, तो 15,000 को हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया। हम लोग फोर्थ ईयर का एंट्री करेंगे। फोर्थ ईयर का जो एंट्री होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस एंट्री को बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें एक नया चीज़ देखने को मिलेगा, लेसीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा अमाउंट डालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, देख अगर मैं देखूँ तो लेसिस में डालूंगा अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पेबल है हमारे कॉलम में, ठीक है। अमाउंट पेबल का ही जो कॉलम में जो अमाउंट पेबल कॉलम में जो अमाउंट रहेगा वही हमारा लेसिस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 20,000 है फोर्थ ईयर में, ठीक है। तो हम लोग इसमें फोर्थ ईयर में 20,000 डाल देंगे, ठीक है। और उसी हम लोग फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिकवर भी हम लोग कर रहे हैं, जो शॉर्ट वर्किंग हमारा था सेकेंड ईयर में, ठीक है, उसको फोर्थ ईयर में हम लोग रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था टू सब्सिक्वेंट ईयर तक हम लोग शॉर्ट वर्किंग रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोग इसका भी एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब रॉयल्टी ज़्यादा रहेगा मिनिमम रेंट से तो एंट्री क्या पास होगा, उसमें हम लोग डाले थे लेसीज अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और हमने यहाँ पे कौन सा अमाउंट डालेंगे, जितना हम लोगों ने रिकवर किया यानी कि 4,000, ठीक है, टू रॉयल्टी शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा रिसीवेबल। अब रॉयल्टी रिसीवेबल में वही अमाउंट जाएगा जितना हमारा रॉयल्टी के कॉलम में है। रॉयल्टी के कॉलम में कितना है 24,000, तो हम लोग ये 24,000 रॉयल्टी रिसीवेबल के कॉलम ने रॉयल्टी रिसीवेबल कॉलम में 24,000 अमाउंट डाल दिया, क्योंकि रॉयल्टी रिसीवेबल में वही अमाउंट जाता है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जो टेबल के रॉयल्टी कॉलम में होता है। फोर्थ ईयर के रॉयल्टी कॉलम में हमारा 24,000 था, इसलिए हमने यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल में 24,000 अमाउंट डाल दिया है। यहाँ पे कैश रिसीव कर लिया, जितना लेसिस के फर्स्ट एंट्री के लेसिस अकाउंट में था डेबिट में, उतना ही हमने यहाँ कैश रिसीव कर दिया, और रॉयल्टी रिसीवेबल को हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है। फिफ्थ ईयर का हम लोग फिर से पास करते हैं लेसिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अब हमने यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल इसमें डायरेक्ट एंट्री होगा, क्योंकि हम लोग देखें अगर टेबल में तो देखते हैं कोई शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हुआ है, कोई शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है, कोई शॉर्ट वर्किंग रिटर्न ऑफ भी नहीं हुआ, तो इसका डायरेक्ट एंट्रीज होगा। हमारा अमाउंट हम लोग डालेंगे 15,000, क्योंकि देखें हम अमाउंट पेबल कॉलम में भी 15,000 ही है और रॉयल्टी कॉलम में भी 15,000 ही है, तो लेसी में भी 15,000, रॉयल्टी रिसीवेबल में भी 15,000, डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल हो जाए, हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हम लोग कैश रिसीव करेंगे, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू टू लेसीज अकाउंट, ठीक है। तो अगर हम इसमें डालते हैं तो हमने फर्स्ट एंट्री में 15,000 डाला था लेसीज में, तो वही 15,000 हम लोग कैश रिसीव करेंगे, ठीक है। और हम लोग फिर से रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे टू पीएल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हमारा जाएगा 15,000, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट में हमारा 15,000 है, इसलिए हम लोग 15,000 को ही पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हम लोग हो गया पूरा पाँच ईयर का एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे मिनिमम रेंट हम लोगों ने 12,000 डाला था यहाँ पे, लेकिन हमारे एंट्री स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं था, शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं था, रिटर्न ऑफ नहीं था। अगर इस तीन कॉलम में अगर होता कोई भी चीज़, या फिर हमारा मिनिमम रेंट जो था कुछ दूसरा होता, कुछ ज़्यादा होता 15,000 से, तो फिर हमारा इफेक्ट पड़ता यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।